दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 5 दिसंबर 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:43 हो चुके हैं रात के और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 7। लास्ट ड्रॉप मैंने अभी यहीं पे किया था, सूर्य बैंकेट हॉल है यहाँ पर। जब आप पालम का फ्लाईओवर उतरते हैं तो आपने देखा होगा बहुत भयंकर जाम आपको देखने को मिलता है फ्लाईओवर उतरते के साथ ही। तो जाम किस चीज का होता है? वो इसी चीज का होता है दोस्तों। यहाँ पर है 3-4 बैंकेट हॉल। तो अभी जैसा एक शादियों का सीजन चल ही रहा है, आपने देखा ही होगा, तो शादियों का सीजन चल रहा है धड़ल्ले से और इसी वजह से आपको ट्रैफिक भी समस्या देखने को मिलती है। तो ये सूर्य बैंकेट हॉल इसी मतलब फ्लाईओवर उतरते के साथ ही लेफ्ट मुड़ते के साथ ही है। 2-3 है, रिकालिया है, सूर्य है और एक आध और है, उसका नाम नहीं पता मेरे को। तो वहीं पे मैंने ड्रॉप किया और मैं ये पिकअप लेकर आया था विकासपुरी साइड से, जबकि वसंत कुंज से लोकेशन डाली थी। तो वसंत कुंज से मतलब महिपालपुर के फ्लाईओवर के नीचे से बुकिंग आ गई थी विकासपुरी की, विकासपुरी पीवीआर के पास ड्रॉप किया, वैसे ही मेरे पास आ गई रामपुर चौक। मैं सोच रहा था डिवाइस बंद कर दूँ पर डिवाइस बंद करने का मौका नहीं मिला, तो मैं उत्तम नगर वाली साइड से सीधा कर आया था। तो द्वारका सेक्टर 7 की ये आ गई थी बुकिंग, 170 रुपये बता रहा था कल की तरह। जैसे कि मैंने बताया था कल की ट्रिप में भी मेरे साथ यही हुआ था, माता चंदन देवी से पिकअप लिया था, 179 दिखा रहा था बुकिंग आते वक्त, और जब बंदे ने चेंज करी तो वो पूरा का पूरा फेयर कम से कम 50-60 रुपये कम हो गया। तो अभी फिलहाल फेयर चेंज नहीं हुआ, 170 रुपीज़ मेरे को पूरे के पूरे मिले इस ट्रिप में। और दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था, करीब मैं आपका 6:30-7:30 के लगभग निकला था, 6:30 निकल गया था घर से। तो और पहली ट्रिप मेरे पास आ गई थी आपका इधर की, क्या कहते हैं, पहली ट्रिप दोस्तों मेरे को टर्मिनल 1 एयरपोर्ट की मिल गई थी 13 किलोमीटर में, मतलब तकरीबन 187 रुपये दिखा रहा था। तो मैंने कहा यार अब ले लो, सुबह सुबह और ट्रिप आ नहीं रही थी, उल्टी पुल्टी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो वहाँ से फिर मैं निकल जाऊँगा आपका महिपालपुर, महिपालपुर से फिर बुकिंग ले लूँगा। तो टर्मिनल 1 एयरपोर्ट छोड़ा, एयरपोर्ट से जैसे ही मैं बाहर निकल रहा था ग्राउंड अबाउट सर्कल पे पहुंचा, वैसे ही मेरे पास सीधा गुड़गांव की राइड मिल गई। तो ऊपर मैं गुड़गांव पहुंच गया, गुड़गांव के बाद फिर दोस्तों पूरे दिन इधर उधर करके मतलब शाम तक का मतलब कर लिया है, आज ठीक ठीक काम भी कर लिया और बैक टू बैक बुकिंग मिल रही है। देखिए अभी सीजन काम का है, तो अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो काम करने के लिए आपको काम मतलब राइड्स की वो नहीं है, राइड्स दबा के आ रही है ये समझ लीजिए इस टाइम। और मोस्टली अगर आप शाम के टाइम निकलते हैं, शाम के टाइम काम कर रहे हैं, तो शाम के टाइम तो आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, राइड्स भी मिलेगी और रेट्स भी जो दिन के टाइम ऑफ टाइम में मिलता है उससे बहुत अच्छा रेट आपको कम किलोमीटर में डबल का फेयर आपको देखने को मिलेगा। ऊबर में ले सकते हैं या इनड्राइव है आपके पास, रैपिडो में आपको 0% कमीशन देना पड़ रहा है, जिसमें आपको रेट तकरीबन देखिए अगर वो करें कंपेयर तो ओला उबर और रैपिडो के भी सेम ही है। किसी किसी राइड में लंबी ट्रिप में रैपिडो के ठीक रेट है, अदरवाइज दोनों के सेम ही रहते हैं। अभी फिलहाल वो 0% पे चल रहा है तो इसीलिए उसका कोई वो नहीं है, बट आपको पता ही है, देखिए सारी कंपनी सेटअप के लिए करती है सारी चीज़ें, सेटअप हो जाएगा तब उसके बाद ये भी अपनी कमीशन चालू कर देगी, तो फिर इसका भी लाइन वही आ जाएगी जैसे इनड्राइव है, ओला उबर है, इन्हीं की तरह इसका रेट हमें मिलेगा। तो खून तो तकरीबन चारों कंपनियों ने ही चूसना है, ड्राइवर गई तो ड्राइवर भाई ही कंपनी को खड़ी करता है और ड्राइवर भाई को बाद में ये लोग लात मारते हैं, और हल्की सी भी कंप्लेंट हो जाए तो उसमें मतलब कुछ भी मतलब कह के राइडर चाहे अपनी तरफ से कुछ भी बोल दे, बस उसकी कंप्लेंट को माना जाता है, ड्राइवर की कंप्लेंट को नहीं माना जाता। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उबर के बारे में ही, और उबर का एक अपडेट आया है नया, और नया अपडेट आपको आपकी सिक्योरिटी आपकी सेफ्टी से लेकर है दोस्तों। और अपडेट ये बहुत ही अच्छा एक मतलब अपडेट निकाला है उबर ने, ड्राइवर भाइयों के बारे में सोचा है, आई थिंक अभी ड्राइवर के लिए ही सोचा है, ये नहीं पता कि कंफर्म कहीं राइडर के लिए भी सोचा हो, पर फिलहाल ड्राइवर के लिए इसने एक सेफ्टी किट लाया है। जैसे कि आप जानते होंगे, आप जब भी अपनी जब राइड वो करते हो, ऑनलाइन होते हो
तब आपके लेफ्ट साइड में एक मतलब वो शीट टाइप का वो आपको दिखाई देता होगा, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको उसमें ऑप्शन दिखाई देता है इमरजेंसी का, जिसमें आपको इमरजेंसी पे क्लिक करोगे तो आपको सीधा डायरेक्ट पुलिस को कॉल लग जाता है। और दूसरा होता है आपको अपनी लोकेशन शेयर करने का, जैसे आप घर से बाहर निकले हो, आपको मतलब जिस भी भाई को नहीं पता मेरी वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा दोस्तों, और मैं बताया था उबर में ये सब चीज़ें फैसिलिटी पहले से ही थी, जिसको नहीं पता आज मेरी वीडियो से जान ले। तो उबर में दो फैसिलिटी थी, एक तो अर्जेंट कॉल की, सपोज आपके साथ कुछ स्पेशल हैपनिंग होती है, राइडर ने कुछ बदतमीजी कर दी या मार पिटाई हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो उस इमरजेंसी में आप 100 नंबर पर कॉल कर सकते थे। और दूसरा आपका इसमें आपको अपनी लोकेशन शेयर करने का ऑप्शन था दोस्तों, जहाँ भी आप देखे घर से बाहर निकलते हैं आपका कोई फैमिली मेंबर आपको ट्रैक करना चाहे तो आप कहाँ हो, रात में कहीं चले गए हो और रात में किस लोकेशन पे हो, कम से कम उसको आपकी पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस उसमें उबर ने पहले से ही निकाल रखा है, तो काफ़ी भाइयों को नहीं पता, तो अभी से दोस्तों इसका भी सेटअप कर लेना आप, इसमें सेटअप का ऑप्शन आएगा, उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते रहना। उसके बाद आप जिस भी अपने घर के सदस्य का नंबर इसमें ऐड करना चाहें, जैसे मैंने अपना अपनी वाइफ का घर रखा है, ठीक है, मैं अपनी लोकेशन जब भी मैं सपोज थोड़ा नाइट में होता हूँ तो मैं अपनी लोकेशन शेयर कर देता हूँ, भाई तुम मुझे ट्रैक करते रहो, मैं इस लोकेशन पे जा रहा हूँ। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि घर वालों को भी टेंशन नहीं होती कि हाँ भाई हमारा घर का सदस्य इस लोकेशन पे है, यहाँ पर है, तो बार बार सपोज कई बार फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है या फ़ोन का रिचार्ज काम नहीं करता, किस नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये दो ऑप्शन दोस्तों उबर ने डाल रखे थे पहले ही ड्राइवर की एप्लीकेशन में। अब एक तीसरा ऑप्शन उबर ने अभी आज ही अपडेट आया है, और तीसरा ऑप्शन क्या निकाला है वो हमारी सेफ्टी पर्पज़ से बहुत बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों, और मैं बता देता हूँ क्या ऑप्शन है। जैसे कि आप जानते हो हमारी राइडर के साथ मतलब किसी न किसी रीज़न से किसी न किसी उससे राइडर हमारी कंप्लेंट करता है, और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि मतलब राइडर झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो ठीक है, जब आप ड्रॉप कर देते हो राइडर को, आप तो अपनी तरफ से अच्छी दरियादरी दिखाते हो, 5-स्टार रेटिंग देते हो, ठीक है, बट राइडर आपके साथ क्या करता है, राइडर करता है गलत, राइडर कुछ भी ऑप्शन डाल देता है उसे। देख कई चीज होती है, कई बंदे होते हैं किसी और चीज़ का गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं, तो वही होता है कि ड्राइवर पे ही सारी चीज़ें बंदे लास्ट में जाके करते हैं। कई कई बंदे तो फेयर भी वापस ले लेते हैं अपना कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जिसमें फंसता हर बार ड्राइवर है। तो अभी इस कंसर्न को लेकर उबर ने एक मतलब अपडेट लॉन्च किया है, जिसमें आप अपनी सेफ्टी खुद रख सकते हैं। आपके ट्रिप के दौरान आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है या कुछ किसी राइडर से आपको बहसबाजी हो रही है कुछ भी है, तो उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना। तो इसके लिए उबर ने एक सिस्टम लॉन्च किया है, मैं दिखाया था यहाँ पर, ये रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है। इसमें जब आप ये राइड को स्टार्ट करोगे, देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हुए हैं, राइड को जब आप स्टार्ट करोगे तब आप इस स्टार्ट बटन को मैं दिखाया था इस तरीके से आपको शो अप होगा। इसको आपको पहले सेटअप करना पड़ेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको सेटअप कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जब आपकी ट्रिप ऑन होगी तो आपके ऊपर है आप इस ट्रिप की रिकॉर्डिंग रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। तो आप इसको रिकॉर्डिंग करना चाहोगे तो आपकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, राइडर से आपकी क्या बातचीत हो रही है क्या नहीं हो रहा, ये सारी की सारी डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी, और ये जब तक उबर के पास नहीं पहुंचेगी जब तक आप इसे साझा नहीं करोगे, ठीक है। आपने जहां उबर को साझा किया मतलब शेयर किया, तो सपोज कुछ मिस हैपनिंग हो गई, आपका अकाउंट बंद कर दिया किसी कारण, राइडर की कंप्लेंट के कारण, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए उबर को दिखाने के लिए, भाई ये बात हुई थी, ये आप सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है, ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो इस वजह से फिर क्या है कि उबर अपनी मतलब आप जब तक उबर को शेयर नहीं करोगे वो रिकॉर्डिंग, तब तक उबर के पास नहीं पता चलेगा। तो जब आप शेयर कर दोगे तब उबर सुनेगा, और फिर आपका जो अकाउंट, जैसे कि मैंने कल की व्लॉग में भी बताया था कि राइडर ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, ड्राइवर की कोई भी नहीं चिंता। तो अभी फिलहाल उबर ने एक छोटा सा रिलैक्स मतलब एक राहत सा दी है ड्राइवरों के लिए, और इससे काफ़ी भाई सेफ भी रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे, और अपने अकाउंट का बचाव भी कर पाएंगे इस रिकॉर्डिंग के जरिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आने वाले टाइम में बहुत काम आएगी आपके दोस्तों, क्योंकि हर टाइप के आपको राइडर मिलते हैं, ठीक है, वो अलग कंप्लेंट करते हैं आप अलग करते हो, बट आपके पास प्रूफ नहीं होता। अब आपके पास एक जनरली प्रूफ के तौर पर उबर ने रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम चालू कर दिया है, और आई होप मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में रिकॉर्डिंग के साथ साथ ये
कैमरे वाली भी सिस्टम चालू कर देगा कि एक कैमरा देखिए हमारी सेफ्टी के लिए, देखिए हमारे साथ मिस हैपनिंग ना हो, अगर एक वेब कैम लग जाए गाड़ी में, ठीक है, या कैमरा लग जाए तो बहुत, हर कैब में अगर लग जाए तो बहुत ज्यादा, मतलब जो मिस हैपनिंग ड्राइवरों के साथ हो रही है वो होने से बच जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जिस भी भाई को नहीं पता वो जान ले इस वीडियो से उबर का नया अपडेट आ गया है, रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम आ चुका है। अब आप अपनी वीडियो सॉरी राइड को, राइड के दौरान अपनी राइडर से क्या बातचीत हो रही है, कुछ गलत बोल रहा है तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये जब तक आप इसको शेयर नहीं करोगे उबर से तब तक उबर आपको ये रिकॉर्डिंग नहीं ले सकता है, आपके पास ही सेव रहेगी, आपकी ऐप में ही रहेगी, जब आप शेयर कर दोगे तभी उबर को पता चलेगा हाँ ये रिकॉर्डिंग हुई है। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज्यादा खास नहीं हुआ पर जितना भी हुआ है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। तो दोस्तों आज का काम हो गया है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 2428 रुपए का मेरा आज का काम है, जिसमें मुझे मिले हैं दोस्तों 520 रुपए के टोल, और टोल कहाँ कहाँ मैं गया था, देखिए अब मैं अपनी वीडियो में पूरी चीजें नहीं बताता हूँ, ठीक है, कि मैं कहाँ कहाँ गया कहाँ कहाँ नहीं गया, एक दो आपकी बता देता हूँ। काफी भाइयों को ये सब चीजें पसंद नहीं थी इसलिए मैंने इस चीज को बिल्कुल ही हटा दिया है, और मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया ये सब चीजें नहीं बताता अब अपनी वीडियो में, जनरली टॉपिक पे आता हूँ जो है। बट मैं गया था आपका मतलब हरियाणा साइड में चला गया था, हरियाणा में दो बार चला गया, फिर यूपी चला गया, फिर यूपी से यूपी भी दो बार चला गया, तो तीन टोल मतलब दो तीन एमसीडी मिल गई, और एक हरियाणा का मिल गया, और एक मिल गया 120 रुपए का यूपी का टोल, यूपी का टोल 120 का, और ये 520 रुपए के मेरे को टोल मिले हैं, तो 2428 रुपए ये और 520 2950 रुपए आप समझ लीजिए आज का काम हुआ है। 2950 में दोस्तों मैंने सीएनजी डलवाई थी तकरीबन आपका 427 रुपए की मैंने सीएनजी इसमें डलवाई थी, ऑलरेडी इसमें पहले की थी वही सीएनजी कंटिन्यू चल गई मेरी, तो तकरीबन पहले की सीएनजी भी थी 700 रुपए तक की सीएनजी आप मान के चलिए इसमें थी, तो 700 की पूरी सीएनजी खत्म हो गई है, रेड पे सीएनजी आ चुकी है। तो 2900 का काम है जिसमें से 500 रुपए टोल को हम हटा देते हैं, 2400 रुपए का काम है, 2400 में से हम निकालेंगे 700 रुपए सीएनजी के, तो सीएनजी के 700 रुपए निकालेंगे तो बचेंगे 1700 रुपए, 1700 रुपए में से 300 रुपए निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, और 100 रुपए का पेट्रोल, तो 1700 में से 300 और निकाल लीजिए तो बचेंगे 1400 रुपए। तो दोस्तों आज की नेट इनकम है 1400 रुपए की, इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, हाँ अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको गाड़ी की ईएमआई भी निकालनी पड़ेगी, और अगर आपने ड्राइवर हायर किया है तो उसकी सैलरी निकालनी पड़ेगी, तो 1400 मेरी नेट इनकम है। इसमें अगर आप टोल को प्लस करना चाहें तो टोल को प्लस करके आप अर्निंग काउंट कर सकते हैं, 1900 रुपए हो जाएगी, बट मैं टोल को नहीं रखता, साइड में रखता हूँ, सिर्फ अपनी अर्निंग की बात करता हूँ। तो नेट इनकम दोस्तों आ रही है 1400 रुपए की, बस यही काम है, 12-13 घंटे, देखिए तकरीबन सुबह निकल गया था 6:30 बजे और 9 तकरीबन बज रहे हैं, तो 14-15 घंटे आराम से हो ही गए, जिसमें 1-2 घंटे हमारे खराब होते हैं, बट हमने रोड पे तो दिए पूरे 15 घंटे में दोस्तों ये काम निकल के आ रहा है, और इससे अच्छा हो जाएगा। अगर आप जितना करना चाहें आपके ऊपर है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, आप जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं, बट एक लिमिट होती है, जितना डेली वाइज लिमिटेड करोगे उतना आप भी सही रहोगे, आपका शरीर ठीक रहेगा, आपकी गाड़ी मेंटेन रहेगी, जितना आप गाड़ी को रगड़ोगे कमा के तो देगी दोस्तों, बट उस हिसाब से फिर उसकी लाइफ जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो कम खाओ कम कमाओ वो बेटर है, जितनी आपकी एनर्जी हो उतनी ही यूज करो, उससे ज्यादा यूज करोगे तो देखिए ड्राइविंग का मामला है, एक हल्की सी चूक भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे अच्छे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, दोस्तों आप वीडियो देखते हो शेयर नहीं करते ना फॉलो करते तो जरूर करें शेयर, आपके एक शेयर से मुझे काफी सपोर्ट मिलता है, और आप सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे भी आप मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी, और मतलब भाइयों के पास पहुंचेगी वीडियो। तो चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय।